एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरिस्का क्लासेस सीकर में। पिछला जो अपना मैथ्स का वीडियो था उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, प्रतिसत्ता पढ़ा था। प्रतिसत्ता का अपन ने एक वीडियो कर लिया है, उसमें उसकी बेसिक बातें हुई थी, कुछ उनके पार्ट्स की क्वेश्चन भी हुए थे। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है प्रतिसत्ता के, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो अभी अपन शुरू करते हैं। तो चलिए देखो, दिया हुआ क्या है कि ए अनुपात बी है वो 4:5 अपन को दिया हुआ है। फिर क्या पूछा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, कौन ए, तो ए का अनुपात ऊपर किसका, जिसके साथ का लगा हुआ है या फिर से लगा हुआ है वो कहेगा नीचे आएगा। तो बी के साथ का लगा तो बी का अनुपात कितना, 5। ये तो आइए क्या भिन्न, क्या ये है भिन्न, क्या निकालना मुझे, प्रतिशत। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, गुणा 100, 20 से 100, 20 से 80, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 80%। दूसरा प्रश्न पढ़ो कि बी ए का जिसके साथ का लगा हुआ आएगा किसमें, बट्टा में, तो का किसके साथ, ए के साथ, तो ए तो आ गया बट्टा में, किसका, कौन, बी, तो बी का कितना है, 5। और प्रतिशत निकालना तो क्या लिखूंगी, गुणा 100 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 125%। ठीक है, यानी जिसका जिसके साथ काल लगा हुआ है वो अनुपात किसमें आएगा, बट्टा में आएगा। किसका निकालना है, ए का निकालना है, तो वो आ जाएगा ऊपर। अब देखो अगला तीसरा प्रश्न कि ए प्लस बी का, तो पहले ए प्लस बी का पता करें, तो ए कितना है, 4 है, बी कितना है, 5 है, तो ए प्लस बी कितना हो गया, 9। तो ए प्लस बी का होते है किसमें लिखूंगी, बट्टा में, बी 5, प्रतिशत निकालना तो गुणा में 100, 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500/9 प्रतिशत। अगला प्रश्न देखो कि ए प्लस बी का कितना परसेंट, तो ए प्लस बी कितना है, 9 है, 9 तो आ गया बट्टा में, कौन ए, ए का अनुपात कितना है, 4/100। ये तो सीधा था कि ये इसका कितना परसेंट है, तो जिसका भी काल लगा हुआ वो बट्टा में आ जाएगा, जिसका निकालना वो ऊपर आ जाएगा, गुणा 100। अब अपन करेंगे कितना कम है कितना ज्यादा है, तो देखिएगा अब क्या है कि ए बी का कितना प्रतिशत कम है, क्या है, कम की बात की है, तो अपना तो एक ही फंडा है कि जिसके साथ का या से लगा वो तो किसमें लिख दो, बट्टा में, तो बट्टा में तो क्या लिख देंगे, बी का। ठीक है, प्रतिशत है तो गुणा में क्या लिख देंगे, 100। कम और ज्यादा की बात जब भी कहे तब क्या करेंगे, उन दोनों का अंतर कर देंगे, कम और ज्यादा की बात कहे तो क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। तो ए तो कितना है, 4 है, बी कितना है, 5 है, इन दोनों का अंतर कितना, 1, 5 से 4 गए 1, ये इससे कटेगा, 20 से 100, 20 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 20%। यानी कि ए है वो 20 का कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। ठीक है, कैसे करेंगे कि का लगा वो बट्टा में लिखा, प्रतिशत निकालना है गुणा में 100 करेंगे, और अंतर कम बोला है, कम बोले या फिर अधिक बोले, दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे, अंतर करेंगे। किसका, यहाँ जो दो दे रखे ना ए और बी, यहाँ जो भी दे रखे उनका अंतर, जैसे ए 4 है, बी 5 है, तो इनका अंतर कितना गया, 1, तो 1/5 × 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20% कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से का मतलब ए किसमें आ जाएगा, बट्टा में, क्या निकालना, प्रतिशत यानी गुणा में 100। किससे, बी ए से अधिक पूछा है, अधिक पूछा तो भी क्या करेंगे, अंतर करेंगे, तो ए और बी का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ए से कटेगा कितनी बार, 25 बार, तो कितना आ जाएगा, 25% अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि ए प्लस बी कितना आएगा, 4/5,
नौ, ए कितना है चार, कितना प्रतिशत कम है किस से, ए प्लस बी से। तो ए प्लस बी का मान तो आएगा नीचे, प्रतिशत निकालना है गुणा में 100, कम बोला है तो इन दोनों को क्या करेंगे अंतर करेंगे, कम बोला तो क्या करेंगे अंतर करेंगे, तो 9 में से 4 गए 5, तो ये आ जाएगा 500/9%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बी बी कितना है 5 है, ए प्लस बी कितना है 9 है, से कितना प्रतिशत कम है किस से, ए प्लस बी से वाला कहाँ आएगा नीचे, कम बोला तो क्या करेंगे दोनों का अंतर, तो 9 में से 5 गए 4, गुणा क्या निकालना है प्रतिशत, तो बट्टा में 100, 4 को 100 से करेंगे तो 400/9%। ठीक है, अगर आपके क्या है ऐसे है 400/9 ऑप्शन में तो ये कर देंगे, अगर 400/9 ऑप्शन में नहीं है पॉइंट्स में है तो 400 में 9 का भाग दे देंगे, तो कितना देगा 9 चौक 36, 4 40 9 चौक 36, 44.4। अब देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि पिछले दोनों टाइप्स का क्या है मिक्सअप है। अब जो क्या करते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए प्लस बी का 20% है वो किसके बराबर है, ए माइनस बी का 130%। तो यहां से देखो अपन पहले क्या करेंगे इसी को सॉल्व करेंगे, का से का गया परसेंट से परसेंट गया, तो ए प्लस बी का जो मान है वो किसके बराबर है 130 के, और ए माइनस बी का जो मान है इसके बराबर है 20 के, 0 से 0 कट गया, तो यहां से देखो अपन ए अनुपात बी लिखते हैं, ए कितना इन दोनों का जोड़ तो ये आ गया 15, बी क्या आता है इन दोनों का माइनस, तो 13 में से 2 गए तो 11, यानी कि अपने पास ए अनुपात बी आ गया, क्या आ गया ए अनुपात बी, कैसे आया कि प्रतिशत से प्रतिशत कट गया का से का कट गया, तो यहां से ए माइनस बी वो किसके बराबर है 20 के, ए प्लस बी वो किसके बराबर है 130 के। ठीक है, अगर आप ये लाइन नहीं लिखो तो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 0 से 0 कट गया, ए का मान क्या था इन दोनों का जोड़ आता है, बी का मान क्या था इन दोनों का माइनस आता है। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात आ गया, ए और बी का अनुपात आ गया तो अपन क्या करेंगे इस बात को करेंगे कि बी ए का कितना प्रतिशत है, का ए का किसका ए का, तो ए का अनुपात बट्टा में कौन बी, तो बी का अनुपात ऊपर गुणा 100, काटेंगे कितनी बार कटेगा 3 बार, 5 से, ये 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार, तो ये आ गया 22, 220/3%, कितना आ गया 220/3%। ठीक है, अगर इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 73.33%। तो सबसे पहला काम क्या है, यहां से ए और बी का अनुपात निकालना है, उसके बाद अपन क्या करेंगे कि जिसके साथ का लगा हुआ है उसका अनुपात बट्टा में किसका निकालना है, बी का, तो ऊपर बी का गया इंटू 100 क्योंकि प्रतिशत निकालना है, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन दू कि पी प्लस क्यू का 110% किसके बराबर है, पी माइनस पी प्लस क्यू का 40%, पी माइनस क्यू का कितना 110% है, तो पी क्यू, तो क्यू पी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, का से का कट गया, 0 से 0 कट गया, तो पी और क्यू का अनुपात, पी और क्यू का अनुपात कैसे, दोनों का जोड़ पी आ जाएगा, तो 11 4 15, क्यू कैसे गया माइनस, तो 11 में से 4 गए 7, क्या निकालना है क्यू पी का, किसका पी का, तो पी का अनुपात बट्टा में क्यू पी का, तो पी का अनुपात बट्टा में आ गया, क्यू का अनुपात ऊपर आ गया इंटू 100% कर लेंगे, 5 से 3 बार कटेगा ये, 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार, तो ये आ गया 140/3%। अब देखो एक क्वेश्चन ले रहे थ्योरेटिकल, क्या है कि यदि अक्ष की आय वाई की आय से 40% कम है, यानी कि वाई है उससे 40% अक्ष का कम है, तो वाई की आय अक्ष की आय से लगभग कितने परसेंट अधिक होगी। देखो ये कहा कि अक्ष की हम वाई से क्या है कम है, अब पूछा गया कि वाई की कितनी अधिक है,
एक्स की क्या है कम है तो वाई की क्या होगी ज्यादा होगी, वो कितनी ज्यादा है वो पूछिए। तो इसके लिए तो वो सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स और वाई का अनुपात चाहिए। तो एक्स और वाई का अनुपात निकालेंगे, देखो एक्स अनुपात है वाई निकालेंगे, तो मैंने मान लिया देखो वाई की आज से 40 कम है, किस से वाई से 40 कम है, तो मैं वाई की मान लूंगी कितनी है 100 है, वाई की कितनी मान ली 100 मान ली, इससे 40% कम, तो 100 में से 40% है तो कितने आ गए 60 है, 100 में से 40 है तो कितने आ जाएंगे 60 आ जाएंगे, 0 से 0 कट गया तो ये आ जाएगा 3:5, यानी एक्स और वाई का अनुपात क्या 3:5। अब क्या पूछा है कि वाई की आय एक्स की आय से, देखो आय से आय कट गया, किस से एक्स से, किस से एक्स से, तो एक्स का अनुपात कहाँ आएगा बट्टा में, तो एक्स का अनुपात कितना है 3 है, अधिक अधिक के लिए क्या कहा मैंने अंतर करना है, तो 5 और 3 का अंतर कितना 2, क्या निकालना है प्रसेंट, तो गुणा में 100, तो ये कितना आ जाएगा 200/3%। ठीक है, कोई डाउट है? देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा आप एक को 100 मान लेना, तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा वो संख्या ही हो जाएगी, प्रसेंट का लफड़ा नहीं देगा। तो y से 40% कम है, किस से y से कम है, तो पहले y का पता करें y कितनी है, तो मैंने मान ली y कितनी है 100 है, तो 100 में से 40 गए तो x कितनी आ गई 60, क्योंकि अंतर क्या बोलता है माइनस करना है, अनुपात आ गया कितना 3:5। अब क्या कहा कि y की आय से अक्ष से, किस से अक्ष से, जिसके साथ से है उसका अनुपात बट्टा में, अधिक का मतलब दोनों का अंतर ऊपर आ जाएगा, प्रसेंट निकालेगा मतलब गुणा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं कि यदि एक्स की आय वाई की आय से 50% अधिक है, क्या है 50% अधिक है, तो पहले अपन क्या करेंगे एक्स और वाई का अनुपात निकालेंगे, किस से वाई से ज्यादा है, तो वाई की मान ली मैंने कितनी है 100 है, तो एक्स की कितनी हो जाएगी ज्यादा है 50, तो 100 और 50 कितने 150, तो अक्स की कितनी हो जाएगी 150, अनुपात निकालेंगे तो मैं 5 का भाग 3/2, तो अनुपात कितना आ गया 3:2। अब क्या कहा कि वाई की आय अक्स की आय से, किस से अक्स से, तो अक्स का अनुपात है बट्टा में, तो अक्स का अनुपात है बट्टा में कितने प्रतिशत कम है, कम का मतलब अंतर निकालना है, 3 और 2 का अंतर कितना 1, गुणा क्या निकालना है प्रतिशत, तो क्या जाएगा 100, तो ये आ गया 100/3%, और 100 में 3 का भाग जाएगा 33.33%। तो अगर x की आय y से कितना 50% अधिक है, तो y की आय x से कितना कम हो गई 33.33%। सबसे पहले x और y का अनुपात निकालेंगे, कैसे कि 50% अधिक है, एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को कि x की जो आय है y की आय से 50% अधिक है, x की y से अधिक है, किससे y से, तो y कितनी मान ली मैंने 100 मान ली, तो x कितनी हो जाएगी 50 अधिक, तो 100 50 150 हो गए, अनुपात आ गया 3:2। फिर क्या कहा कि y की आय x की आय से कितने परसेंट कम है, अक्ष से तो x का अनुपात बट्टा में कितनी कम है, कितनी कम निकालनी ना, कम निकालनी है अधिक निकालनी, तो क्या करते हैं अंतर करते हैं, तो 3 में से 2 गए 1 आ गया, प्रतिशत निकाला तो गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा 33.33%। ठीक है, अब देखो मैं 2 सवाल लिखे, दोनों लगभग सेम लग रहे हैं लेकिन करेंगे तो थोड़े अलग होंगे। क्या है पहला प्रश्न कि ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, ए का है वो बी से 15% कम है, ठीक है, फिर बी का वेतन है वो सी से 30% कम है, अब की बार ए बी सी 3 हो गए, तो ए का है वो बी से 15% कम है, बी का है वो सी के वेतन से 30% कम है, क्या कहा कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक, यानी ए और सी का अपन को निकालना, तो सबसे पहले ए बी और सी के अनुपात निकालेंगे, तो इस कंडीशन में हमेशा अपन पीछे से स्टार्ट होंगे, कहां से पीछे से, पीछे क्या कह रहा है कि जो बी का वेतन है वो सी के वेतन से 30% कम है,
बी का सी से 30% कम है, किससे, सी से 30% कम है, तो सी का मान लिया मैंने 100 है, तो बी का कितना आ जाएगा 70%। सी का मैंने 100 मान लिया, सी का 100 मान लिया तो 30% कम है, तो 70 में से 100 में से 30 है 70, तो बी का कितना गया 70%। अब देखो, अब निकालेंगे ए, क्या कहा कि ए का जो वेतन है वो कितना परसेंट कम है, 15% कम है। 15% कम कैसे निकालेंगे, देखो बी का कितना है 70 है, ठीक है 15% कम है, 15% कम होने का मतलब बी का, ए का कितना हो गया 85 हो गया, यानी कि 70 का 85%। देखो परसेंट 100 पर होता है, परसेंट किस पर होता है, 100 पर होता है। अब मैं कहूं कि 15% कम है, 100 में से 15 है कितने हो गए 85 हो गए, तो 85% है किसका, बी का, और बी का कितना है, बी का कितना 70 है, तो क्या लिखेंगे कि 70 का 85%, तो 70 गुणा 85 बट्टा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 5 से करोगे तो 17 पंचे 85 और ये कितना आ गया 2 आ गया, 17 सात 119 बट्टा 2 भाग देंगे तो कितना आ गया 5 9, यानी कि जो ए का अनुपात था वो कितना गया 59.5। अब इनका अपन क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इसको मैं 109 बट्टा 2 लिख देती हूँ, ठीक है ये 2 घटेगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 109 140 और ये आ गया 200। अनुपात कितना गया 109 140 200। फिर क्या कहा कि जो सी ए से बोला है, ए से, तो ए का अनुपात आएगा बट्टा में, तो ए का अनुपात कितना है 109 है, ठीक है। कितना अधिक है, अधिक और कम की बात करेंगे तो क्या करेंगे, अंतर करेंगे, किसका अंतर, किसके बोला है सी और ए का, तो सी और ए का अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 91 into 100%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि दो संख्या है तीसरी संख्या से, दो संख्या की तीसरी संख्या, तो कितनी संख्या हो गई, तीन संख्या हो गई, तो मैंने मान लिया ए है बी है और सी है, कि दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः, यानी कि अब की बार यहां तो ए बी से था बी सी से था, अब की बार तीनों के तीनों इसके साथ कंपेयर है, कि तीसरी संख्या इससे, पहली संख्या 37% कम है, दूसरी 30% कम है, तो मैंने सी मान लिया कितना है 100 है, ये कितना परसेंट कम है 37, तो 100 में से 37 गए 65, ये 30% कम है तो 100 में से 30 गए 70, तो ये आ गया अनुपात 63:70:100। अब क्या कहा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है, पहली से किसके साथ है, पहली के, तो पहली संख्या 63 तो आ गया बट्टा में, अधिक, अधिक का मतलब क्या निकालेंगे अंतर, तो इन दोनों पहली और दूसरी, दूसरी संख्या पहली संख्या की बात करें तो दूसरी पहली का अंतर निकालेंगे तो कितना आ गया 7 into 100, 7 से कटेगा कितनी बार 9 बार, तो ये आ गया 100/9%, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि ए अनुपात बी है वो कितना है 3:4, और मैं ये कहूँ कि ए प्लस बी कितना है 77 है, तो ए और बी की अपन को वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ए और बी का जोड़ दे रखा है, ए और बी का प्लस दे रखा है, तो इनके अनुपातों का जब मैं प्लस करूंगी तो कितना आएगा 3+4 कितना गया 7, यानी 77। 7 को कितने से गुणा करने पर 77 आया, 7 को कितने से गुणा करने पर 77 आया, कितने से करने पर आया 11 से, तो 3 को भी मैं किससे गुणा करूंगी 11 से, तो 33, और 4 को किससे गुणा करूंगी 11 से, तो 44, तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 और 44। जैसे मैं ये कहूँ कि ए बी और सी का जो अनुपात है वो है 1:2:3,
और ये कहूं कि a प्लस बी का जो जोड़ है वो कितना है 30 है, अपन को c का मान निकालना है। abc का अनुपात दे रखा है, तीनों का अनुपात दे रखा है, a और b का प्लस दे रखा है, अपन को क्या निकालना है c का मान निकालना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इन दोनों के अनुपातों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3। तो इनका जोड़ देखो a और b का जोड़ दे रखा है, तो a और b के अनुपातों को जोड़ा, ये 3 आया, जोड़ कितना है 30 है। इसका मतलब क्या है कि ये भी किससे गुणा होगा 10 से, ये भी किससे गुणा होगा 10 से, और ये भी किससे गुणा होगा 10 से, तो इसका मान कितना आ जाएगा 30। 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30, ठीक है। जैसे मैं इक्वेशन लिख रही हूं कि a अनुपात b अनुपात c है, 2:3:4। अगर मैं ये कहूं कि b प्लस c का जो मान है वो कितना है 56 है, और अपन को किसका निकालना है a का निकालना है, b और c का प्लस कितना 56 है, किसका निकालना है a का निकालना है। तो क्या करेंगे, b प्लस c दे रखा है तो b और c का अनुपात कितना है जोड़ने पर 7। 7 को कितने से गुणा करने पर 56 आ रहा है, 7 को कितने से गुणा करने पर 56 आ रहे हैं, तो 7 को 8 से गुणा करने पर 7 8 56, यानी कितने से गुणा करेंगे इनको 8 से गुणा, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से, अपन को तो a निकालना है, तो a को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी a का मान कितना आ गया 16। अब इसके बेस पर अपन करेंगे प्रश्न। देखो अपना क्वेश्चन क्या है कि a b c 3 धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, a b का 70% है, a का मान क्या है जो b है उसका 70% है, b का है वो b है वो c का 40% है। तो अपन हमेशा क्या करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें पीछे से मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अनुपात निकालूंगी, ठीक है, क्या कहा कि b c का 40% है, और ऐसे परसेंट की बात है तो अपन इसको क्या मान लेंगे 100। तो जो b है वो c का 40% है, c का 40% है, तो b कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। फिर देखो a कैसे आएगा कि जो b है उसका 70%, b कौन है 40 है, तो 40 का 70%, तो 40 × 70 = 100 कितना आ गया 28, तो ये आ गया 28, abc का मान आ गया। फिर क्या कहा कि तीनों संख्याओं का जोड़, तीनों का योग दे रखा है, तो जब संख्याओं का योग दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, अनुपातों का योग करेंगे, जिन जिन संख्याओं का योग दे दे रखा है उन उन संख्याओं का अपन अनुपातों का योग निकालेंगे। तो तीनों का दे रखा है यानी a b और c तीनों का जोड़ दे रखा है कितना 336। पहले मैं अनुपातों को जोड़ूंगी तो कितना 140, 150, 168, इनका जोड़ कितना 168, और 168 का जस्ट दुगुना कितना होता है 336, यानी कि ये जो है वो क्या है दुगुना करेंगे, ठीक है। फिर क्या कहा कि b और c के योगफल का 70%, b और c का योगफल, तो b कितना है देखो 40 और 100, यानी जैसे अगर 2 से गुणा करने पर 80 आ गया, 200 आ गया, तो कितना आ गया 280 है, इसका कितना परसेंट 70%, परसेंट है तो बटा में 100 गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 856, 196, तो बी और सी के योगफल का जो 70% है वो कितना होगा 196, क्लियर है। देखो कैसे करेंगे कि इस क्वेश्चन में देखा कि ए बी का 70% है, बी सी का 40% है, देखो ऐसे क्वेश्चन अपन ने किया है, क्या करते हैं अपन कि पीछे से मान लेते हैं, तो सी को मान लिया 100, तो बी उसका 40% है, 100 का 40% 40, तो बी कितना आ गया 40, बी का जो 70% निकालेंगे तो 40 का 70% निकाला तो कितना आ जाएगा 28, तो ए कितना आ गया 28। फिर प्रश्न में तीनों संख्याओं का जोड़ दे रखा है, तीनों संख्याओं का जोड़ दे रखा, तो तीनों अनुपातों का योग निकालेंगे, तो तीनों अनुपातों का योग कितना था 168, जोड़ था 336, तो 168 को कितने से गुणा करने पर 336 आ रहा है, 2 से गुणा करने पर, तो संख्या किससे गुणा हो जाएगी 2 से। फिर क्या कहा कि b और c का योगफल, b और c 2 से गुणा करने पर 80 और 200 आ गई, तो 280 है, इसका कितना परसेंट निकाल लिया 70%, तो कितना आ जाएगा 196, क्लियर है। देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन से पहले अपन थोड़ी सी बात करते हैं, क्या है कि जैसे मान लो
अभी किसी की सैलरी है, अभी सैलरी कितनी है उसकी, 100 रुपए है, ठीक है। तो जब मैं बात करूंगी कि सैलरी की जो वृद्धि है वो कितनी हो गई, 10% है, तो अगली जो सैलरी आएगी वो कितनी आएगी, 110 रुपए, ठीक है। अब मैं कहूंगी 100 नहीं, ये तो पहले सीधा क्या 100 था उसका 10% 10 हो गया, तो कितना हो गया, 110 हो गया। अब सैलरी कुछ और हो गई, ठीक है, तो पहले उसका 10% निकालेंगे, फिर मूल में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, उसकी बढ़ी हुई टोटल आएगी। तो अपन ऐसा नहीं करके अपन सीधा क्या करते हैं, देखो जब भी आपको ऐसा निकालना ना कि इतना परसेंट बढ़ गया, मैं कहूँ 20% बढ़ा है, तो अपन सीधा क्या कर देंगे, जो भी संख्या उसका कितना निकालेंगे, 120%। जैसे मैं कहूँ 50,000 था, कितना बढ़ गया, वृद्धि कितनी हुई है, 30% हुई है, तो सीधा सीधा अपन निकालेंगे कि अब उसकी क्या है, 130%। ऐसे नहीं कि 30% निकालेंगे फिर जो मूल है उसमें जोड़ेंगे, इतना लंबा नहीं करना, सीधा सीधा क्या करेंगे, अगर आपको बढ़ी हुई दी है तो 10% बढ़ी हुई तो 110% निकालेंगे, 20% बढ़ी है तो 120% निकालेंगे उसका, 30% बढ़ी है तो 130% निकालेंगे। तो सेम यही क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटों का अनुपात कितना दे रखा है, 7:8:9। सीटों का कौन सा 30% 40% 50% तक का बढ़ाने का प्रस्ताव बढ़ा है, ठीक है। क्रमशः का मतलब गणित के लिए कितना 30%, तो गणित के लिए जो अगली सीट होगी वो क्या आएगी, इसका 130%, ठीक है। पोते के लिए कितना बढ़ा, 40%, तो इसका कितना, 7:130% हो गया, 8:140% हो गया, और मैथ्स में केमिस्ट्री में कितना बढ़ा, 50%, तो इसका कितना हो जाएगा, 150%। परसेंट से परसेंट हट गया, का की जगह क्या लगाएंगे, गुणा, जीरो से जीरो कट गया, तो 13 × 91, 14 × 112, 15 × 135, तो इनका जो अनुपात आएगा बढ़ी हुई सीटों का वो अनुपात क्या होगा, 91:112:135, ठीक है। अगर बढ़ा है तो क्या कर देंगे, 100 में जोड़ के, जैसे मान लो 10% बढ़ा तो 110% निकाल लिया। मैं कहूं कि कम हो रही है, क्या हो रही है, वही कम हो रही है, 10% कम हो रही है तो क्या निकालेंगे, 90% निकालेंगे, 20% कम हो रही है तो सीधा 80% निकालेंगे, ठीक है, समझ आया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल कि तीन कर्मचारियों के वेतन का अनुपात, तीन कर्मचारी हैं उनके वेतन का अनुपात क्या है, 7:3:5। यदि उनके वेतन में वृद्धि क्रमशः यानी क्या करें, बढ़ा रहे हैं, पहले कितनी हो गई 20%, तो क्या निकालेंगे कि 7:120%, दूसरे में कितनी 40% की हो रही है तो 3:140%, और तीसरे कितनी 10% हो रही तो 5:110%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, का कीजिए क्या लगा देंगे, गुणा, 12 × 84, 14 × 42 और 11 × 55, तो नया जो उनका अनुपात होगा सैलरी का वो कितना आएगा, 84:42:55, ठीक है। सीधा करना है कि अनुपात लिखो, फिर कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो वो 100 में प्लस करके उतना लिख देंगे परसेंट, 20% वृद्धि तो 120% लिख दिया, 7:40 × 140 कर, 10 × 110 कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगली टाइप का जो एग्जाम्पल है वो है क्या है कि एक छात्र था, उसने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, गुणा तो करना था 5/3 से, गुणा किससे करेगा, 3/5 से, तो कितने परसेंट की त्रुटि हुई, देखो उसको क्या लिखना था, 5/3 से गुणा करना था, गुणा किससे कर दिया, 3/5 से, तो ये आ गया 5, 25, 3, 3, 9, यानी कि आना तो था 25 और आ कितना गया उसके 9, तो कितने परसेंट की त्रुटि हुई, माइनस कर दो तो 25 में से 9 गए 16 कम आ रहे भी, आने 25 थे आ 9 रहे, तो कितने का अंतर हुआ, 9 का अंतर हुआ, कितना आना चाहिए था, 25 × 100, तो 25 × 100 = 16 = 64, तो कितने परसेंट की त्रुटि हुई, 64% की त्रुटि है। सिंपल सा है कि उसको किससे गुणा करना था वो लिखो,
किससे गुणा कर दिया, ध्यान रखना ये गुणा लिखा हुआ है, भाग है तो एलोकेशन होगा। पांच बटा तीन है, पांच बटा तीन से गुणा करना था उसको, कर दिया कितना, तीन बटा पांच से, तो दोनों को अनुपात में लिखा, गुणा किया तो कितना लिया, वज्र गुणा करने पर 25 और 9 आना था, 25 आया कितना 9, कितने की कमी है, कितना कम रह गया, तो 16 की कमी है, तो 16 यानी त्रुटि कितने की हुई, भी कमी का मतलब त्रुटि, 25 आना चाहिए था, 9 आ रहा है, त्रुटि कितने की है, 16 की त्रुटि है, तो 16 बट्टा कितना आना चाहिए था, 25 × 100 कि किसी छात्र ने एक संख्या को 5/4 के स्थान पर 4/5 से गुणा कर दिया, कितने से गुणा करना था उसको, 5/4 से, गुणा कितने से कर दिया, 4/5 से, तो गुणा करोगे तो कितना आ गया 25, 4 × 4 से करेंगे 16, त्रुटि कितने की आई, 25 आना चाहिए था, 16 आया, तो त्रुटि कितने की आई, 9 की बट्टा कितना आना चाहिए था, 25, और परसेंट निकालना तो गुणा 100, 25 × 100 9 × 36 तो कितने परसेंट की त्रुटि है। अब देखो इसी टाइप का अगला प्रश्न कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से भाग कर दिया, क्या कर दिया आपकी बात, भाग, पिछले जो क्वेश्चन की जब क्या किया था, गुणा का भाग था, आपकी बात किसमें किया है, भाग में, तो कितने परसेंट की त्रुटि हुई, तो ज्यादा चेंज नहीं करना, भाग का बोला है तो इसको उल्टा कर दो, 3/5 भाग के क्या उल्टा हो गया, ये कितना हो जाएगा 5/3 गुणा करेंगे तो कितना गया 9 और ये कितना गया 25, त्रुटि कितने की हुई, 25 में से 9 गए 16 की, कितना आना चाहिए था 9 आना चाहिए था, परसेंट निकाला तो बट्टा में गुणा में 100 तो यह आ जाएगा 1600/9%। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि उसको 5/4 की बजाय क्या कर दिया उसने, 4/5 से भाग दे दिया, तो कितने परसेंट की त्रुटि हुई, तो क्या करेंगे इसको अपन क्या लिखेंगे, 4/5 इसको क्या लिखेंगे, 5/4 गुणा क्या गया 16 और ये क्या गया 25, आना चाहिए था 16 आ गया कितना 25, कितने की त्रुटि हुई 9 की, कितना आना चाहिए था 16 × 100 4/25 × 25 = 225/4% भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 22 में 4 5 बार गया 2 25 हो गए 24 एक बच गया 2.5% यानी 56.25%। इस तरह से ध्यान रखना है कि गुणा में है तो सीधे जो अनुपात दे रखे वो लिख दो, क्या लिखना चाहिए था उसने क्या लिख दिया, अगर उसने क्या किया भाग कर रहा है तो उनको उल्टा लिख दो और उल्टा लिखते क्या जाएगा फिर उनका वो वैसे परसेंटेज निकाल लेंगे। अब देखो अगली टाइप का सवाल क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 100% की वृद्धि की जाती है और हर के मान में 150% की वृद्धि की जाती है तो भिन्न 16/25 हो जाती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो मान ली मैंने भिन्न क्या है, अंश बटा हर है, अंश बटा क्या है हर है, इसमें 100% की वृद्धि की जाती है। देखो मैंने क्या कहा, जब भी जितनी वृद्धि करते हैं उतना क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जैसे 10% की वृद्धि की तो 100 में 10 छोड़ दिया, 20 की करेंगे तो 100 में 20 छोड़ देंगे, अगर 100% की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में मैं कितना जोड़ दूंगी, 100 जोड़ दूंगी, तो अंश का कितना परसेंट हो गया 100 200%। हर में 150 की वृद्धि की जाती है तो उसमें भी 100 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 250, तो हर का कितना हो गया 250%। और वो सवाल वाले ने बोला कि भिन्न क्या हो जाती है 16/25, अपन को तो अंश बटा हर का मान निकालना है। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, का की जगह गुणा लगाएंगे, 0 से 0 कट गया, 5 का भाग 4 बार, 5 का भाग 5 बार। अब देखो ये 5 जाएगा इधर गुणा में, ये जाएगा इधर भाग में, तो अंश बट्टा जो हर है 16/25 था, 5 तो आ गया गुणा में, 4 आ गया भाग में, 4 से कटेगा 4 बार, ये कटेगा 5 बार, तो भिन्न क्या देगी 4/5, यानी कि जो मूल भिन्न थी वो कितनी है 4/5। एक बार दोबारा देख लो कि अंश भिन्न है तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, अंश अपॉन हर के रूप में होगी। अब अंश में 100% की वृद्धि की तो 100% की वृद्धि करते अंश कितना परसेंट हो गया 200% हो गया, तो अंश तो कितना हो गया 200% हो गया,
हर में 150 की वृद्धि की है, तो हर कितना हो जाएगा 250%, यानी कि अंश का तो 200% हो गया, हर का 250%। अगले ने बोला कि वो भिन्न कितनी हो जाती है, 16/25 हो जाती है। अपन को अंश बटा हर का मान निकालना है, तो परसेंट से परसेंट कटेगा, उनको काट दिया, फिर ये जो भाग में था इधर गुणा में आ जाएगा, जो ऊपर है वो यहाँ भाग में आ जाएगा, काट करके इनका मान निकाल लेंगे। अंश बट्टा हर का जो मान है वो कितना है, 4/5, यानी कि इसमें जो मूल भिन्न थी, अपनी जो मूल भिन्न थी वो क्या जाएगी, 4/5। ठीक है, अब देखो अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या कि यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि की है, 60% की वृद्धि करते अंश कितना हो जाएगा, 160%। हर के मान में 40% की वृद्धि, तो हर कितना हो जाएगा, 140%, और जो भिन्न दे रहे हैं वो कितनी है, 16/23। देखो अपनी भिन्न मैंने मान ली क्या है, अंश बट्टा हर, तो अंश का तो 60% वृद्धि का मतलब 160%, हर में 40% की वृद्धि का मतलब 140% बराबर कितना, 16/63। प्रसेंट से प्रसेंट गया, जीरो से जीरो गया। ठीक है, यहां काकजे कहेगा गुणा, काकजे कहेगा गुणा। अब देखो ये 14 गुणा वाला क्या भाग वाला कहां जाएगा, गुणा में, तो 16 के गुणा में तो कौन आ गया, 14/63 के पास में कौन आएगा, 16, कौन है यहाँ, अंश बट्टा हर, 16 से 16 कट गया, 7 का भाग कितनी बार, 63 में 9 बार और 14 में 2 बार, तो जितनी मूल भिन्न है वो क्या जाएगी, 2/9, मूल भिन्न क्या आ गई, 2/9। ठीक है, अब देखो अपना अगला एग्जाम्पल क्या है कि यदि किसी भिन्न, अब की बात भिन्न दे रखी है कि भिन्न क्या है, 3/5 है, भिन्न क्या है, 3/5 है, यानी कि अब की बार मूल भिन्न दे रखी है, फिर क्या कहा कि अंश में 50% की वृद्धि करते हैं, अंश में 50% की वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाएगा, 150%, 50% की वृद्धि करते कितना हो जाएगा, 150%, और हर के मान में 60% की वृद्धि करते हैं तो हर कितना हो जाएगा, 160%। तो नई भिन्न क्या आएगी, यानी कि अंश और हर में वृद्धि करने के बाद भिन्न क्या आएगी, देखो प्रसेंट से प्रसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 5 में 5 का भाग 1 बार और 15 में कितनी बार, 3 बार, तो 3 * 9/16, यानी कि जो नई भिन्न हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।